आप देख रहे हैं ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को। ध्रुव मैथमेटिक्स आपके लिए एक सीरीज लेके आई है, केसी सिन्हा सर के बुक का पूरा सॉल्यूशन। अभी हम लोग आईटीएफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, केसी सिन्हा सर के एक एक प्रॉब्लम को, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। थ्योरी पार्ट के लिए आप आईटीएफ का थ्योरी वाला जो लेक्चर है उसको देखें। चलिए, तो दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे फोर्थ नंबर से। फोर्थ नंबर में जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो है टेन इनवर्स वन बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो काम ये करते हैं, सबसे पहला काम इसमें हमको ये बताइए प्रॉब्लम का नाम क्या है। तो सर, इस क्वेश्चन में जो आपको प्रॉब्लम का नाम है वो है स्क्वायर रूट, यानी प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट। प्रॉब्लम जो आपका है स्क्वायर रूट है। और क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर में, स्क्वायर रूट के अंदर में अलजेब्रा है। स्क्वायर रूट के अंदर में अलजेब्रा है। अलजेब्रा है, तो आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहले आप सब्टिट्यूशन करें। तो सब्टिट्यूशन में वेरिएबल के स्क्वायर है माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है। अगर कांस्टेंट के आगे माइनस है तो हम लोग याद करते हैं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, सॉरी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन होता है अगर कांस्टेंट के आगे माइनस हो तो। तो आपके सामने कुछ ऐसा है, एक्स का स्क्वायर है माइनस वन का स्क्वायर है, खैर वन के ऊपर में स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो वन का स्क्वायर है। तो पहले ये बताया जाए ए का वैल्यू कितना हुआ, तो ए का वैल्यू वन है सर, तो सब्स्टिट्यूशन जो होगा एक्स इक्वल टू सेक थीटा होगा। मतलब दुनिया में जहाँ जहाँ सेक थीटा है वहाँ पे आपको रख देना है एक्स के जगह पे, सॉरी दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपको सेक थीटा रख देना है। तो एक्स इक्वल टू सेक थीटा, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर थीटा में आएगा। तो अब अगर हम पूछें थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक अगर इस साइड आता है तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, यानी ये वाला थीटा का वैल्यू जो हम निकाले हैं ये हमको लास्ट में यूज होगा। चलिए, इधर आ जाइए। अब हम लोग काम ये करते हैं कि टेन इनवर्स, अब देखिए वन बाय अंडर रूट एक्स के जगह पे सेक थीटा आपको रखना है, तो सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस वन। अब हमको ये बताइए, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। और क्या आप टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा पे होल स्क्वायर, लिख ही सकते हैं। तो फाइनली जो आपके पास आने वाला है वो ऐसा आने वाला है, टेन इनवर्स वन बाय अंडर रूट टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये दो और ये स्क्वायर रूट खत्म,
हो क्या गया टेन इन्वर्स 1/10 थीटा, टेन इन्वर्स 1/10 थीटा, स्क्वायर रूट को हटा दिया हमने, यानी प्रॉब्लम जो था स्क्वायर रूट उसको हमने सब्स्टिट्यूशन से हटा दिया, स्क्वायर रूट खत्म। अब ये टेन अगर ऊपर जाता है, मान लेते हैं टेन अगर आपका ऊपर गया तो हो क्या जाएगा बराबर में टेन इन्वर्स कॉट थीटा। अब क्या करना है, बाहर की आवाज़ सुननी है, बाहर में कौन बैठा हुआ है टेन, बाहर की आवाज़ सुने, आवाज सुने। अगर आप बाहर की आवाज़ सुनेंगे तो कॉट थीटा को क्या बनना होगा टेन थीटा, कॉट थीटा को टेन थीटा बनना होगा। तो कॉट थीटा को अगर टेन बनाना है तो टेन हम बताए थे एक हाथ में 90 को रखिए और इस थीटा को घटा दीजिए, हो गया। यानी कॉट थीटा के जगह पे आपको रखना होगा टेन इन्वर्स टेन 90 माइनस थीटा। तो ये टेन इन्वर्स और ये टेन सेंडिस कंपाउंड घर चला जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्स में दिया हुआ है इसीलिए 90 को प्यार से हम लोग पाई बाय 2 लिखते हैं और थीटा के जगह पे आप लिख दीजिए सेक इन्वर्स एक्स। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर की, सेकेंड क्वेश्चन की। तो इसमें टेन इन्वर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 और नीचे में x है, यानी प्रॉब्लम का नाम जो है वो स्क्वायर रूट है, प्रॉब्लम का नाम स्क्वायर रूट। पहला काम स्क्वायर रूट को हटाना। अब सर स्क्वायर रूट के अंदर में अलजेब्रा है तो बिना सब्स्टिट्यूशन ये हटने वाला नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग जानते हैं कि a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, मतलब अगर दोनों आपका प्लस है, ये कांस्टेंट वाला घर है, ये आपका कांस्टेंट वाला घर है और ये वाला आपका वेरिएबल वाला घर है। अगर दोनों के आगे प्लस है और दोनों के माथे पे 2 है तो आप सब्स्टिट्यूशन करें x बराबर a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा, दोनों में से कुछ भी। तो आपके केस में जो क्वेश्चन है वो है 1 का स्क्वायर और प्लस x का होल स्क्वायर। a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है तो सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो x इक्वल टू टेन थीटा, मतलब दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको टेन थीटा रखना है। ये तो अभी के लिए हुआ, हम बोले थे जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करें तो थीटा का भी मान निकाल लें। तो टेन को अगर गुस्सा आया, टेन उछल के इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स x बराबर कितना थीटा। ये वाला अभी के लिए और ये वाला लास्ट के लिए। अब काम ये करते हैं कि टेन इन्वर्स दुनिया में जहाँ जहाँ x है, दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप रख दें टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे में टेन थीटा। पहला काम जो हम लोग कर रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन किए, ये इसीलिए कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट हट जाए, पहला मुसीबत स्क्वायर रूट है। तो इसके बाद अब ध्यान से देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है,
तो हमको लगता है sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे आप sec स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो हो क्या जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन और नीचे में टेन थीटा। ये दो और ये ख़त्म ख़त्म। यानी सर अब जाके हम लोग राहत का सांस लिए। क्या राहत का सांस लिए? हमने स्क्वायर रूट को हटा दिया। हमने किसको हटा दिया? स्क्वायर रूट को हटा दिया। अब बाहर की आवाज़ सुननी है, तो बाहर में टेन है, अंदर में हमको टेन बनाना है, तो क्या किया जाए? तो अंदर में सेक है और टेन है। जब कुछ ना समझ में आए तो सबको साइन कॉस में बदलिए। तो टेन इन्वर्स सेक को क्या लिख सकते हैं? वन बाय कॉस थीटा माइनस वन और नीचे में कितना? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा? बराबर में टेन इन्वर्स वन माइनस कॉस थीटा और नीचे में कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। फाइनली जो आपके पास आया वो टेन इन्वर्स वन माइनस कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा। ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट गया। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको बाहर की आवाज़ सुननी है। तो एक काम करते हैं, ये बताइए कि टेन इन्वर्स वन माइनस कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा था, तो टेन इन्वर्स कॉस के आगे माइनस होता है तो हम साइन को याद करते हैं। यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, एंगल का आधा। साइन को लिखने का दो तरीका, क्योंकि ऊपर वाला एंगल का आधा हुआ है तो नीचे में भी हम साइन को हम लिख देते हैं टू साइन थीटा और कॉस थीटा बाई टू। ये टू और ये टू ख़त्म, एक साइन ख़त्म। साइन बाय कॉस होता है टेन इन्वर्स टेन थीटा बाय टू। ये दोनों चला गया घर, थीटा बाय टू। थीटा जो है आप निकाले हैं टेन इन्वर्स एक्स, तो टेन इन्वर्स एक्स और डिवाइडेड बाय, ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। चौथा का तीसरा क्वेश्चन है टेन इन्वर्स कॉस एक्स बाय वन प्लस साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं है। यानी सर पहली बात तो स्क्वायर रूट को हटाने की काम झंझट ख़त्म। इसमें सिर्फ आपको बाहर की आवाज़ सुननी है, मतलब बाहर में टेन है तो अंदर में भी टेन बनाना है। तो ध्यान रखिएगा कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। इसी को लिखा जाता है कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, ए माइनस पी, और कॉस एक्स बाय टू अब प्लस साइन एक्स बाय टू। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं,
सी माइनस एस और सी प्लस एस, ये तो कॉस का कहानी हुआ। उसके बाद अब साइन को भी लिख सकते हैं, वन प्लस साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स बाई टू। साइन के आगे अगर प्लस है तो कॉस को याद करेंगे और साथ में साइन को भी याद करेंगे, एंगल का आधा और सबके माथे पे टू, मतलब आप इसको लिख सकते हैं सी प्लस एस का होल स्क्वायर। हम लोग समझ रहे हैं कि एंगल में जो है वो एक्स बाई टू होगा। तो आप ये बताइए अगर इसका यूज हम कर लें तो आपके सामने दिखाई देगा टेन इनवर्स ब्रैकेट सी माइनस एस और सी प्लस एस, सी मतलब कॉस, एस मतलब साइन और टी मतलब टेन। अब सी मतलब कॉसेक मत समझिएगा, और सी प्लस एस का होल स्क्वायर। एक और एक खत्म, यानी मेरे पास जो आया वो ऐसा आया टेन इनवर्स सी माइनस एक्स और सी प्लस एस। आप लोग पूरा लिखिएगा, सी के जगह पे, सी के जगह पे लिख लीजिएगा कॉस एक्स बाई टू और एस के जगह पे लिख लीजिएगा साइन एक्स बाई टू, ये लिख लीजिएगा। अब सर तो अब आपको टेन बनाना है, तो टेन बनाने में पहला कसम होता है कि इस प्लेस पे वन बनाना है, अब यहाँ पे वन बनाना है तो डिवाइड किससे करना होगा, सी से, मतलब सबको आपको डिवाइड करना होगा सी से। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो गया, अरे साइन बाय कॉस टेन सी बाय सी वन। फिर दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे टू टर्म होना चाहिए प्रोडक्ट में, दो टर्म होना चाहिए प्रोडक्ट में, तो अपने मन से हम वन दे दिए। और दुनिया में जहाँ जहाँ वन है वहाँ पे आप रख दीजिए टेन पैंतालीस, बस इसको छोड़ के। तो फाइनली जो आपके पास आने वाला है वो टेन इनवर्स टेन पैंतालीस माइनस टेन एक्स बाई टू और नीचे में वन प्लस टेन पैंतालीस इंटू टेन एक्स बाई टू। तो टेन इनवर्स टेन पैंतालीस माइनस एक्स बाई टू, ये दोनों घर चला गया तो पैंतालीस माइनस एक्स बाई टू। ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन था। तो अब इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे के सॉल्यूशन को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें।